और कबीर कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा। देखिए एक शब्द और लगा दिया, आत्मा की पूजा। लोग परमात्मा को पाना चाहते हो, आत्मा की पहचान नहीं है, आत्मा से प्रेम नहीं हो, परमात्मा ढूंढने निकले। परमात्मा इतना थोड़े ना समझे कि मूर्ख लोगों को परमात्मा मिल जाए। जब आत्माओं के साथ में व्यवहार बर्ताव करना नहीं आता है तो परमात्मा के साथ तुम कैसे व्यवहार बर्ताव करोगे? परमात्मा को तो तुम समझोगे ही नहीं, पहले आत्माओं को समझो। ये जो आत्माएं हैं, जैसे पति है, जो स्त्री पति को नहीं समझ सकती वो परमेश्वर को क्या समझेगी? कितनी स्त्रियां अपने पति को ऐसा चटनी बनाया है टमाटर की बड़ी हालत खराब है पतियों की। ये तो बेचारे पैंट शर्ट पहन के, लंबा कुर्ता पहन के निकलते हैं इज्जत बचाने के लिए, झूठी की से काटते ही, बाकी अंदर इतना रगड़े गए हैं, बस गेट से बाहर होते बस खीसे काट दे, जय राम जी की, राम 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 राम। अब राम राम जपोगे नहीं तो अंदर सब कुटाई पिटाई चल रही है पति को ऐसा मत परेशान करना। ऐसे भी पति बनने के बाद आदमी कमजोर हो जाता है, शरीर से भी, बुद्धि से भी और मन से भी कमजोर हो जाता है। हमने बड़े बड़े पढ़े लिखे पतियों को देखा हूँ, बिल्कुल बेचारे नर्वस हो बहुत दुर्दशा है। गृह कारज नाना जंजाल, तुलसीदास ने रामायण में लिखा है नाना जंजाल है इसमें। और अपनी अपनी पत्नी को भी सताना मत, नहीं तो अगले जन्म में तुम पत्नी बनोगे और वो पति बनेगी, तुमको ठीक करेगी। फिर सताना मत देवी स्वरूपा, पति पत्नी का जोड़ा ऐसा है जो सृष्टि की रचना करता है। ये लड़ने झगड़ने के लिए जोड़ा नहीं है, भोग विलास के लिए भी जोड़ा नहीं। ऐसा नहीं शादी हो गई तो तुम भोग विलास में डूबे रहो, ये काम नहीं करना है। संयम नियम से रहो, अन्यथा शरीर बर्बाद हो जाएगा, दिमाग फेल हो जाएगा, ब्रेन की नसें पंचर हो जाएंगी, बहुत जल्दी मर भी जाओगे। ज़्यादा विषय भोग में डूबने से बहुत जल्दी लोग मर गए, कितने लोगों की खोपड़ी में गड्ढे हो गए, पूरा वीर निकल गया। अरे सड़क पर गड्ढे तो हमने देखा था, पर खोपड़ी में गड्ढे कमाल है। अब ये किसकी गलती है? शिवराज सिंह चौहान की गलती की कमलनाथ की गलती? खोपड़ी में गड्ढा, ये तुम्हारी खुद की गलती है। कितनी लड़कियां शादी होने के बाद एक साल में ही डोकरी हो गई, ऐसे चलती है पांव उठा के, लगता है इससे बड़ी रोगी कोई है ही नहीं, बिल्कुल खत्म। अरे विषय भोगों के चक्कर में मत पड़, संयम से रह। दोनों पति पत्नी बलिष्ठ रहो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। एक क्रीम पाउडर की ज्यादा जरूरत ही ना पड़े, ऐसे ही चेहरा चमकेगा, दमकेगा, ललाट पर, मुखमंडल पर तेज झलकेगा। और ये मन तो चंचल है, बहुत ज्यादा विषय भोग में उतर जाओ तो इतनी रोग लग जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी, फिर भी मन तृप्त होने वाला नहीं। किसी के रूप सौंदर्य में भी मोहित मत होइए, क्योंकि जिस चेहरे को देखकर मोहित होते वो चेहरा धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। जिस शरीर को देख करके तुम मोहित होकर के अपने चरित्र को खो देते हो, अपने यश कीर्ति को बर्बाद कर देते हो, अपने नाम को बदनाम कर देते हो, वो शरीर जिस पर मोहित हुए थे वो शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। एक दिन वो लाश बनेगा और तुम जीते जी सड़ रहे हो, उस लाश के पीछे कहां भाग रहे हो? अपने मन को रोकिए और भक्ति कीजिए, सत्संग सुनिए, फिर देखिए क्या सुख मिलता है। हंसना भी जरूरी, हंसने से कोरोना का बाप भी नहीं आ सकता। हाँ कोरोना क्या आएगा? अब जितना ज्यादा मुंह ऐंठ के रहोगे ना, कान के रास्ते से घुस जाएगा थोड़ा सा हंसना जरूरी है, इससे एंटोडॉर्फिन्स केमिकल बनता है और शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा होती है।
और रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर बॉडी के अंदर तैयार हो जाता है। इसलिए हंसना जरूरी है और रोने से भी कोई फायदा नहीं है। तुम रोया जैसा चेहरा बनाए रहो, फिर भी ये घर का रावा ढावा सब ऐसे ही चलता है। आप खूब मुंह ऐंठते रहो, बहू के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। वो उसी रंग की साड़ी पहनेगी और उसी तरह चूड़ियाँ बजाएगी, रोज दो चार चूड़ी फोड़ेगी और ज़्यादा काबिल बनोगे तुम्हारी खोपड़ी भी फोड़ेगी। इसलिए बहुत दुखी रहने से कोई फायदा नहीं है। ये संसार में हर आदमी अपने अपने मन और विवेक के अनुसार जिंदगी जीता है। हैरान कहाँ तक हो गए तुम, कहाँ तक परेशान हो। और याद रखना, जो दूसरों को परेशान करता है, जिसकी वजह से माता पिता दुखी होते हैं, जिसकी वजह से गुरु दुखी होता, जिसकी वजह से शिष्य दुखी होते और जिसकी वजह से पुत्र पुत्री बहू और सास बहू दुखी होती है, याद रखना वो व्यक्ति सृष्टि में कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो दूसरों के दुख को दूर करता है, उसके दुख अपने आप दूर हो जाते हैं और सुख भरपूर हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जब तक तुम अपने अपने सुखों की फिक्र करोगे कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुख, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। जिस दिन तुम फिक्र करोगे कि हमारे मम्मी पापा सुखी हो जाएं, सास ससुर सुखी हो जाएं, हमारे बेटी बेटा सुखी हो जाए और हमारे घर वाले सुखी हो जाएं, पड़ोसी सुखी, टिमरनी पूरी सुखी हो जाए, सबके महल बन जाए, उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे। जिस दिन सबके लिए सुख की कामना करोगे। ये नया वर्ष आया है, लोग सुख की कामनाएं कर रहे हैं। हमारे पास में भी बहुत 200-400 फोन आए, शुभकामना सुख की कामना हमारे लिए किया है। तो मैं समझ गया, ये जो मेरे लिए सुख की कामना कर रहे हैं, ये सब सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे सुखी, दुखी रह नहीं सकते। बहुत लोगों ने संकोच में फोन नहीं किया कि गुरुजी बिजी रहते हैं, लेकिन कामना थी, भावना थी कि नए वर्ष में गुरुजी को शुभकामना करते हैं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो वे भी सुखी रहेंगे। तुम्हारी भावना का फल भी तुमको मिलता है। तुम्हें याद नहीं है, कर्म तो बाद को करते हो, कर्म तो मोटी चीज, कर्म तो अस्थूल चीज है, ये भावना सूक्ष्म चीज है। भावना अंदर की चीज, भावना मन की चीज है। अंदर तुम जो सोचते हो ना, उसका भी फल मिलता है। मानस कहती है क्या, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावना को अच्छा करने में कौन प्रॉब्लम है, भावना तो अच्छी होना चाहिए ना। भावना अच्छा बनाने में क्या कष्ट है, क्या मेहनत है, कौन तकलीफ है, क्या दिक्कत आती है। अच्छी भावना रखो। जाकी रही भावना जैसी, दोहराना पड़ेगा, मौनी बाबा बनकर बैठे रहो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं बोलूं पीछे से बोलो, तुमको पता ही नहीं एक घंटा हो गया प्रवचन होते होते। हमारा प्रवचन ऐसे ही मॉडल कर रहता है, हंसते हंसते निकाल देते हैं घंटा। अब बाद में पूछो क्या मिला, तो मिला शंख घंटा तुम्हें। अरे जिसकी जिंदगी में शंख बज जाए, घंटा बज जाए, घड़ियाल बज जाए और मंदिर के सभी बाजे बज जाए, तो समझ लो उसकी जिंदगी ही चलता फिरता मंदिर बन गई है। माताओं जोर से ताली बजाए करो। हाँ बस, साथ में गुरुजी की हंसना चाहिए। हम क्या करें, हमको तो हंसी बहुत आती है, हम तो रोके रहते हैं। नहीं तो हम बचपन से ही हंसते रहते थे। क्यों हंसते रहते थे, क्योंकि बचपन से ही पूर्व जन्म में ही संत थे हम, और बचपन से ही कोई गलत विचार मन में आता ही नहीं था, पता नहीं क्या बात थी। सत्संग तो देर में मिला, पहले से ही भरा था सब माइंड में अच्छी अच्छी बातें। खुश रहना है तो अपने विचारों को अच्छा करना पड़ेगा, सोच अच्छी करना पड़ेगा, भावनाओं को अच्छा करना पड़ेगा, विचारों को अच्छा करना पड़ेगा और कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा, स्वभाव को अच्छा बनाना पड़ेगा, चरित्र को अच्छा बनाना पड़ेगा। खुशियां दुकान पर नहीं मिलती, खुशियां पैसे से नहीं मिलती हैं, और खुशियां गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से नहीं मिलती, महलों में नहीं मिलती हैं। खुशियां जब तुम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाते हो, वाणी को सुंदर बनाते हो, स्वभाव को अच्छा बनाते हो, तो खुशियों के सागर बन जाते हो, खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता है।